बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एम्प्लाइज फेडरेशन के द्वारा अपने कई मांगों को लेकर आज परिवहन भवन के सामने प्रदर्शन किया गया। महासचिव अजय कुमार ने वेतन विसंगति के बकाया राशि का भुगतान करने, महंगाई भत्ते की किस्त को तत्काल निगम कर्मी के वेतन में जोड़ने, समान काम के समान मजदूरी देने, आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा को बंद करने, दैनिक वेतन मजदूरी को 21,000 रुपए मासिक वेतन करने सहित कई मांगों को लेकर आज एम्प्लाइज फेडरेशन के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो आगे फेडरेशन के कर्मचारी चक्का जाम करेंगे और अपने आंदोलन को तेज करेंगे। अपनी मांगों के समर्थन में मांगों की पूर्ति हेतु हमारी मांगे जो कि जिसके लिए हमको आंदोलन करना नहीं चाहिए, सेवा शर्त के अनुसार हमें यह स्वतः मिल जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार और परिवहन प्रबंधन निगम प्रबंधन के मजदूर विरोधी लाल फीताशाही भ्रष्टाचार आचरण के चलते हम लोगों को आज मजबूर होकर बैठना पड़ा है। हम सेवानिवृत्त होते हैं, हमारा 1 महीना के अंदर सेवांत लाभ का भुगतान नियमता हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ बरसों बरस लगा दिया जाता है सेवानिवृत्त करने के लिए। एक मामला है जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत के लाए थे पे एनोमोलीज का, उसका एरियर सरकार ने आज से 8 साल पहले दे भी दिया है पैसा, सरकार राज्य सरकार, लेकिन आज तक निगम उसको 100% भुगतान नहीं कर पाई है। आप कर्मचारी यहाँ दौड़ते हैं, अंत में अंदर ऑफिसर उसे भुगतान के नाम पर उसका पैसा मांगते हैं, इसलिए एक भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे हैं। दूसरा कि परिवहन निगम को निजीकरण किया जा रहा है, बहाली जो रिक्त पद जितने भी सेवा रेगुलर एम्प्लॉयज रिटायर होते जाते हैं उस पर बहाली नहीं होती है, उस पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा बहाली होती है। जिस पद पर 50,000 रुपया मिलना चाहिए उस पद पर 8,000-7,000 रुपया पर बहाल किया जाता है और उस पर भी उसका कोई सेवा शर्त नहीं है, उसका कोई ड्यूटी आवर नहीं है और वो 12 घंटा 14 घंटा दिया सेवा ली जा रही है। इस तरह के घोर शोषण और दमन के खिलाफ मजबूरन हम लोगों ने लगातार प्रयास किया, वार्ता के द्वारा मामला को सुलझाया जाए, सलटाया जाए, कुछ मांगे दी जाए, लेकिन प्रबंधन अपनी हठधर्मता और कर्मचारी विरोधी मानसिकता की वजह से वार्ता नहीं कर रही है, इसलिए आज मजबूरन हमको इस गेट पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज भी अगर प्रबंधन हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम चक्का जाम करेंगे, हम अस्थायी रूप से यहाँ इस गेट पर करो या मरो का आंदोलन। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।